will be India versus Pakistan. फिर एक बार फिर ये रहा आइजनहावर पार्क जहाँ पर T20 के मैचेस होंगे, तो आपको एक दफ़ा फिर अंदर ले आके दिखाते हैं क्या अपडेट है, काम कहाँ तक पहुँचा है, क्या सूरत हाल है। सुनने में तो आया कि काफ़ी काम तेज़ी से कंप्लीट हो चुका है, तो आज मैं फिर आया हूँ कैप्चर करने के लिए। और इससे पहले मैंने 5-6 वीडियो बना ली हैं, शुरू के टाइम से वीडियो बना रहा हूँ इस ग्राउंड की जहाँ पर वर्ल्ड कप होने वाला है। तो थोड़ी सी आपको और डिटेल देते हैं आज, देखते हैं क्या माहौल है यहाँ पर, आगे चलते हैं, थोड़ी देर में बात करते हैं। और वेलकम टू माई चैनल, कैसे हैं आप लोग सब। सलमान इज हियर एंड सलाम अलैकुम, क्या हाल चाल है। तो फिर आया हूँ मैं यहाँ पर, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया कि सारी अपडेट देता रहूँगा। जब से ये ग्राउंड बनना शुरू हुआ है उस टाइम से मैंने वीडियो बनाना शुरू की है और पूरी डिटेल वगैरह जो है मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, बराबर डिटेल दे रहा हूँ जो बिल्कुल रियल डिटेल है। ग्राउंड में आके सारी अपडेट दी जा रही है, काम बड़ा ज़ोरों पर है, पर मेरे हिसाब से काम बहुत ज़्यादा बाकी है और वक्त जो है बहुत कम है यार। छः हफ्ते हैं रफली, सिक्स वीक्स, तो देखते हैं। मोस्ट लाइकली जो डेट दी है भाई, इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, सारी कमिटमेंट की है इन्होंने, तो वो काम जो है उस हिसाब से इनको पूरा तो करना ही पड़ेगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कर लेंगे, हो जाएगा। तो मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ, दूसरी साइड पर जाता हूँ और वहाँ से जाके आप लोगों को बताता हूँ कि काम जो है कहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो वहाँ से कुछ और थोड़ा सा कैप्चर करता हूँ, कुछ चीज़ें ज़रा क्लियर नज़र आती हैं, ठीक है। साथ में रहो, मिलते हैं, घूम के आता हूँ दूसरी साइड से जाता हूँ। तो ये देखो यार, यहाँ पर इन लोगों ने पोस्टर लगाना शुरू कर दिया है। June 3 से लेकर 12 तारीख तक या न्यूयॉर्क में जो मैचेस होंगे, 8 मैचेस होंगे या आइजनहावर पार्क लॉन्ग आइलैंड में वर्ल्ड कप के, ये रहे अपने मिस्टर केन, बाबर आजम, क्या बात है यार। तो ये माहौल है, काम अभी भी यहाँ पर काफ़ी बाकी है यार, काम अलग है। 6 हफ्ते रह गए, रफली 6 हफ्ते रह गए। तो जिस तरह से काम तेज़ी से स्टार्ट हुआ था, काम तो वैसे ही हो रहा है, पर तो ये देख लें, इस साइड से भी थोड़ा बहुत नज़र आना शुरू हो गया। वैसे ग्रास वगैरह डाल दिए हैं, मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत नज़र आ रही है यहाँ से, मेरे को यहाँ से ले तो शॉट्स थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा कि कितना काम बाकी है और कितना नहीं। तो काम तो यहाँ पर जो है 24/7 नॉन स्टॉप 7 डेज लगे हुए ये है, वक्त कम है और मुकाबला बड़ा सख्त है भाई जी। इस टाइप के सारे पोस्टर जो है ना, इन्होंने पूरे ग्राउंड के चारों तरफ जो ये फैंस लगाए हुए हैं, ये पोस्टर लगना शुरू हो गए, सो दैट्स द रियली गुड साइन। चलो यार, काफ़ी लंबी चढ़ी लगी है वॉक की, गाड़ी पकड़ते हैं, अब दूसरी साइड पे जाता हूँ, वहाँ से जाके थोड़ा कैप्चर करता हूँ मैं। यार सामने टिका के जो है सन निकला हुआ है भाई, सनसेट होने वाला है, सीधा मुंह पे जो है आंखों के अंदर लाइट घुस रही है। तो चलें आप लोगों, ये दूसरी साइड पे मैं आया हूँ, यहाँ से आपको बताते हैं तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जो बैठने की जो जगह है ये तो काफ़ी हद तक कम्प्लीट हो चुकी हैं, आज गर्मी तो खैर नहीं बोलेंगे पर वेदर बहुत अच्छा है, नॉट बैड। देख लें आप लोग साइड से, सो इस साइड का जो है काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। जो दूसरी साइड से मैं बता रहा था वहाँ पर काफ़ी काम बाकी है, पर मोस्ट लाइकली 6 हफ्ते बहुत होते हैं इन लोगों के लिए इस काम को निपटाने के लिए, सो लेट्स सी हाउ इट गोस। दूसरा जैसे पाकिस्तान की टीम की जो लाइनअप अभी बताई है, जैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका होगा, इतने सारे व्लॉग्स बन चुके हैं, इसलिए हर चैनल पर आजकल क्रिकेट की बातें हो रही हैं बिकॉज ऑफ वर्ल्ड कप, राइट। तो आमिर इज़ बैक, ठीक है, दैट्स अ रियली बिग न्यूज़। अम्मात वसीम दैट आल्सो रियली गुड प्लेयर, अच्छा ऑलराउंडर मिल गया, स्पिन भी अच्छी करता है और बैटिंग भी अच्छी करता है। और दूसरा जो उस्मान खान जो दुबई के लिए पहले खेलते थे, सो दैट आल्सो जॉइन द टीम। तो लाइनअप जो है अभी बहुत ज़बरदस्त है इस टाइम वर्ल्ड कप पे, जो अभी तक ऑन पेपर नज़र आ रहा है।
इंक्लूडिंग बाबर जो बड़े ही ज़बरदस्त मूड में है इस वर्ल्ड कप में, तो देखते हैं कैसा जाता है, मज़ा तो आने वाला है। तो बाकी तो जब मैदान में सारी टीमें उतरेंगी तो we'll see how it goes। तो यार जो चीज़ मैं बताने के लिए आया था, ये पीछे स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा मेरा बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है, इसलिए मुझे भी बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है, तो लुक्स रियली गुड। ठीक है, तो जैसे मैंने शुरू में वीडियो बता चुका हूँ कि काम काफ़ी बाकी है दूसरी साइड पर 6 हफ्ते बहुत हैं यार इन लोग के लिए, बहुत ज़्यादा हैं 6 हफ्ते। 6 हफ्ते से पहले ये लोग निपटा देंगे। और जो ड्रोन शॉट आप लोगों ने देखा है स्टार्टिंग में ग्राउंड के अंदर, तो ग्रास डलना बाकी है एंड इट लुक्स प्रिटी कूल। तो ये बस थोड़ी सी अपडेट देनी थी, इस वीडियो ज़्यादा लंबी में खींचना नहीं चाह रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को बताना चाह रहा था ग्राउंड कहाँ तक पहुँचा है, किस तरह काम हो रहा है। तो हे वी गो, तो ये अपडेट मैंने दोबारा दे दी आपको। और पोस्टर्स वगैरह लगना शुरू हो गए पूरे पार्क के चारों साइड पर, जितने भी फैंस हैं, जैसे बाबर आजम की पोस्टर लगाए उन्होंने, ऐसे दूसरे प्लेयर्स की पोस्टर लगाए उन्होंने दिखाने के लिए। और बस यार कैन वेट, आई एम सुपर एक्साइटेड। और जैसे आप लोग फील करोगे ये रोड बना है, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू रोड बना है, लिटरली 2-3 हफ्ते पहले बना है। ये रोड पहले ऐसा नहीं था भाई, काफ़ी खड्डे थे, तो ये वर्ल्ड कप के लिए आई थिंक इन्होंने इसको पैचअप किया है, बिल्कुल नया हिसाब किताब बना दिया, लुक्स रियली नाइस। अच्छा, ये सामने जो आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये बिल्डिंग का जो बना हुआ है, तो यहाँ पर वैसे तो काफ़ी लोग रेंट आउट भी करते हैं इस जगह को, और रेंट आउट करते हैं पार्टीज़ के लिए, और कोई भी गेट टुगेदर होता है या कोई बड़ा सेमिनार होता है तो यहाँ पर किया जाता है होपफुली। और यहाँ पर अंदर रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, खाने पीने का भी हिसाब किताब है, सो मोस्ट लाइकली हो सकता है जाते मेरा दिमाग काम कर रहा है इस वक्त वो ये है कि यहाँ पर प्लेयर्स वगैरह का शायद खाने पीने का इंतज़ाम भी यहाँ किया जाएगा, और जो इनकी सेरेमनी वगैरह होगी, कॉन्फ्रेंस वगैरह होगी, तो उसका हिसाब किताब जो है इस बिल्डिंग में होने वाला है, इसलिए बिल्डिंग के बिल्कुल क्रॉस स्ट्रीट पर है। ठीक है, तो मैं ये भी आपको साथ साथ बता दूँ। दूसरा, जैसे एक और चीज़ मेरे को बतानी ये थी कि जो लोग गाड़ियाँ लेके भी आएंगे, ऑब्वियसली हम तो यहाँ लॉन्ग आइलैंड में रहते हैं, अगर कुछ ट्रैफिक का मसला कुछ ऊपर नीचे हो गया हम लोग तो ऊबर लेके आ सकते हैं, मैं ज़्यादा दूर नहीं रहता हूँ, पर जो लोग दूसरे स्टेट से आएंगे, जो अरब स्टेट से आएंगे, ऑब्वियसली भाई वर्ल्ड कप हो रहा है, लोग जगह जगह से दुनिया से आएंगे, स्टेट से आएंगे, तो ये पार्किंग लॉट जो बने हुए हैं यहाँ पर, ये जैसे बताया कि सबसे बड़ा पार्क है, तो उसी के हिसाब से पार्किंग कैपेसिटी इनके पास बड़ी ठीक ठाक है। तो लेट्स सी हाउ दे कंट्रोल एज़ फार अ पार्किंग, के जगह जगह पे जो है इनके बड़े बड़े ऐसे पार्किंग लॉट बने हुए हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड ही बन रहा है, यहाँ पर गोल्फिंग होती है उस साइड के ऊपर, बहुत हाई पैमाने पे, बड़े हाई लेवल पर गोल्फिंग होती है, और ऑल डिफरेंट स्पोर्ट्स यहाँ पर एक्टिविटीज़ चलती रहती है, सॉकर के टूर्नामेंट्स होते हैं, और बहुत सारे लोग जो फुटबॉल और इस टाइप के टूर्नामेंट होते हैं, ये चीज़ें चलती हैं इस ग्राउंड में। ठीक है, तो काफ़ी फेमस है ये इस वजह से, और अब इस टाइम तो जैसे क्रिकेट का हो रहा है तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, तो ये ज़्यादा ग्राउंड से दूर नहीं है, मैं आपको दोबारा दूसरी साइड पर कैमरा करके बताता हूँ तो आप समझेंगे मैं कितनी दूर। ये देखिए मैंने जूम इन किया है, ये ग्राउंड सामने ही है। ठीक है, ये मैं दूसरी साइड पर आया हूँ, तो इसीलिए मैंने बोला था कि ये ग्राउंड सामने है, और ये लोकेशन मैंने बताई थी जहाँ पर सेमिनार वगैरह होता है, और आई डोंट नो अंदर शायद रूम्स वगैरह हैं कि नहीं, ये पता नहीं, शायद इसमें ठहराया जाएगा, पर इतनी सारी टीम आएंगी इसमें तो आई डोंट थिंक ठहराया जाएगा। हाँ, टेम्परेली यहाँ पर मेरे ख्याल में ये लोग आएंगे, ऑब्वियसली बड़ी खूबसूरत सी जगह है, और ये पार्क बड़ा ही खूबसूरत है, पता नहीं ये वीडियो में इतनी अच्छी तरह जस्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पर जो भी लोग यहाँ पर आएंगे वो सिर्फ एक ही चीज़ निकलेगी उनके मुँह से, वो है वाओ। ठीक है, साफ सुथरा क्लीन, और ग्रीन तो फॉलिटी हो चुका है, 2-3 हफ्ते में बिल्कुल और ग्रीन हो जाएगा। ये जो इतने बड़े बड़े दरख्त नज़र आ रहे हैं आपको, बिल्कुल अभी कोई इस पर फ्लावर्स वगैरह जो लीव्स वगैरह नहीं आए, तो ये भी सारे भर जाएंगे, सो उसकी लुक जो है देखने वाली होगी भाई। देखिए जैसे सामने आपको नज़र आ रहा होगा ये बैठने की जगह बनी हुई है, स्ट्रेट्स बनी हुई हैं, तो यहाँ पर गोल्फिंग होती है, ये बहुत बड़ा गोल्फ ग्राउंड है उस साइड पर, तो मैं इतनी दूर लंबी वॉक करने से बेहतर है कि आपको थोड़ा जूम इन करके मैंने बता दिया भाई, ये है देखें, तो जगह जगह पर ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं।
और एक अच्छी न्यूज़ ये मिली है जो मुझे थोड़ी मालूम की है थोड़ा रिसर्च करने के बाद, जो जिन लोगों को इंडिया पाकिस्तान के मैच के टिकट्स नहीं मिल रहे थे वो टिकट लगता है कि ओपन कर दिए जाएं। इसलिए बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं जो स्पेशली करीब रहते हैं कि हमें टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसका भी मैंने एक क्लिप मिला है, उस क्लिप में मैं आपको बताऊँगा, आपको डिटेल में बताया जाएगा टिकट्स का क्या तरीका है, क्या चीज़ें चेंज की जा रही हैं, तो वो भी मैं इसमें लिंक डालूंगा, आप वो वीडियो क्लिप भी देख लेना तो आपको थोड़ी सी मालूम हो जाएगी। Working out now a plan to make some of those tickets available to the general public, maybe through a lottery system. Nassau County Executive Bruce Blakeman's joint press conference with the international. चलें आप लोग गोल्फ कोर्स भी दिखाते हैं अंदर से कैसा है। ये देखें, ये इनके टाइमिंग है, 7 a.m. till 7 p.m. पे क्लोज होता है। Let's see how it looks. Oh, hey Ernie, Kathy said to call. क्या बात है? Are you right there? तो ये है गोल्फ कोर्स, मैं आया हूँ तो अंदर से आपको दिखाते हैं ना। मैं भी सोचा हूँ किसी दिन आऊँ यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। तो ये बस आप लोग थोड़ा सा दिखाना था मेरे को। और एक चीज़ और, ये पूरे पार्क में आपको जो है ना ऐसे फ्रिज वगैरह सारे जूस सोडा पानी सब मिल जाएगा, गेटोरेट वगैरह ये जगह जगह पे लगाए हुए इन्होंने, बाथरूम हर जगह लगाया हुआ है, इवन शावर रूम भी है, ये यहाँ बाथरूम है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ इन्होंने बड़ी तरीके से दी हुई है। यहाँ पर सारा काम जो है ना हिसाब किताब, बड़ा खूबसूरत माहौल है यहाँ पर। ये देखें आप सामने रोज़ मेरी चमक रहे हैं, अभी तो सारे रोज़ मेरी जब आ जाएंगे हर डिफरेंट कलर्स के, जब ये तैयार हो जाए पूरा ग्राउंड, लिटरली जैसे 2 से 3 हफ्ते बाकी हैं, सारे जो फूल वगैरह हैं खूबसूरत कलर के वो यहाँ पर आ जाएंगे, तो और हसीन लगेगा, हसीन एब्सोल्युटली करेक्ट। जैसे ये भी बाथरूम बना है, बाथरूम आपको हर जगह मिल जाएंगे सर। भी आपको मौका मिले नेकी कमाने के लिए तो पीछे मत हटना, आप अपने दिल से उनकी मदद करो। और हाँ, ये क्लिप मैं इसलिए बिल्कुल नहीं डाल रहा हूँ कि आप लोगों से कोई सिंपति मुझे चाहिए, सिर्फ एक मैसेज पहुँचा रहा हूँ। जब भी कोई मजबूर इंसान नज़र आया है और वो कुछ सिचुएशन पे है, तो उसकी जो मजबूरी है उसकी आप जितनी हेल्प कर सकते हो आप करो, ठीक है। थोड़ा सा उसका स्ट्रेस कम करने की कोशिश करनी चाहिए, छोटी मोटी भी हेल्प बहुत बड़ी हेल्प होती है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मैसेज मैं डाल रहा हूँ, आगे क्लिप भी है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उस क्लिप को देख के आपको अंदाज़ा होगा। कुछ लोगों की ऐसी मजबूरी होती हैं कि वो इसको टैकल नहीं कर पाते हैं, तो ये उनके ज़रिए हमें ऊपर वाला एक मौका दे रहा है कि थोड़ी बहुत नेकी करी जाए। ये जैकेट में जो ये आंटी खड़ी हुई हैं, इनकी एक ट्रेजडी हुई हुई इनकी फैमिली में, जो ये पोस्टर पकड़ा हुआ हाथ में उसमें लिखा हुआ इनकी सिस्टर है जिनको लंग कैंसर हो चुका है और वो कभी भी एक्सपायर हो सकती हैं, तो इनको डोनेशन की ज़रूरत पड़ी है, मुझे ये साइन नज़र आया,
तो मैंने थोड़ी बहुत इनकी हेल्प कर दी है जहाँ तक मैं कर सकता था, और ये मैसेज मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि कोई सिंपैथी हासिल करूँ या आप लोगों से वाह वाह लूँ। मेरे दिल को जो सही लगा मैंने वो किया, और मैसेज ये इसलिए भी मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर रहा हूँ ये कि जब भी कोई ऐसा इंसान आपको रास्ते में नज़र आए और वो मजबूर हो, उसकी आप स्टोरी सुनो और आपका दिल मानता है मदद करने के लिए, तो आप मदद करो। ये मत सोचो कि वो आपको स्टोरी सुना रहा है, आपने अपने दिल से पूछा और आपके दिल ने बोला मदद करो, मदद करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो इन्हीं के ज़रिए, इसी टाइप के लोगों के ज़रिए हमें नेकी कमाने का एक मौका मिल जाता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड दिस मैसेज टू अदर्स, ठीक है। ये मेरा मैसेज अगेन कोई आपसे वाह बटरने का नहीं है, ये मैसेज आप लोगों को जैसा लगता है इस ओके विथ मी, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प दैट पर्सन। मैंने इनसे इनका फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज किया है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प हर आउट, ठीक है। तो छोटी सी मैंने एक कोशिश की है और काफ़ी प्रॉब्लम में है ये आंटी, ठीक है। तो हो सके तो मदद की जाए। What's going on? I would kindly like to ask for your help. I have sister who has a lung cancer. She is 25 years old. What happened? She has a lung cancer? Oh my God. I wish she feel better. You'll be fine, okay? Just stay strong. Stay strong. God will help you. Anything else I can do for you? If you want to give me your phone number, I can help you. No telephone. No telephone? Where you live? I'll give you my number? Okay, yeah. I will do that. Where you live? You live around here? No. New York. New York? Where in New York? Queens. Queens? You come from Queens? Yeah, Uber. Oh, you take Uber? Oh my God. That's too far. No more. No. Medicament, pharmacy, problem. What's your name? Maria. Maria. What's her name? What's her name? Eva. Eva. Okay. I'll pray for Eva, okay? She will be fine. Stay strong, okay? Take care. अल्लाह हेल्प करेगा यार। तो यार इस वीडियो को बस मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ी बहुत मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी जगह के बारे में, ये पार्क इतना बड़ा है कि मैं थोड़ी सी टाइम के लिए कवर अप नहीं कर पाऊँगा। तो बस आपको मेरे को थोड़ा सा स्टेडियम का अपडेट देना था, काम काफ़ी हद तक चल रहा है, सही है, 5-6 हफ्ते बाकी हैं, और उससे पहले ही उनको टेक्निकली 4 वीक्स बाकी हैं, ज़ाहिर है 8-10 दिन पहले टीमें वैसी आ जानी है। तो यस लिटरली या दैट मेक सेंस, सो टीमें आ जानी है, तो इसलिए 24/7 काम चल रहा है, अब स्पीड बढ़ा दी है इन्होंने और ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। ड्रोन शॉट देख रहा होगा, आपने इन्जॉय किया होगा, थोड़ा सा आइडिया मिल गया है। तो चलें, ठीक है, फिर इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। अभी तो बहुत सारी ये ग्राउंड की बनानी है, अभी तो मैं आता रहूँगा जब तक ये पूरा कम्प्लीट ना हो जाता है। तो दुआ में याद रखना यार, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाया करो, इसके लिए मेरे चैनल के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, घर वालों का ख्याल रखना है, दोस्तों का ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अब इस भाई को इजाज़त दो, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन पीस, लव यू ऑल गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।